कांग्रेस मतलब सनातन विरोधी, कांग्रेस मतलब हिंदुओं का विरोध, कांग्रेस मतलब सनातन संस्कृति का अंत। कांग्रेस ने सनातन को अपमानित करने की कोशिश तो दशकों से की है, लेकिन अब ये कांग्रेसी अपने घमंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के साथी डीएमके नेता ए राजा को, जो कह रहा है सनातन धर्म एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसा है। அறுவருவாக பார்க்குற ஒரு 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 சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். अब कांग्रेस के गठबंधन के साथी और तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सुनिए, जो ये कह रहा है कि डेंगू मलेरिया की तरह सनातन संस्कृति का भी अंत करना जरूरी है। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. सिर्फ यही क्यों? अरे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को तो हिंदुओं से इतनी नफरत है कि वो विशेष समुदाय के मोहल्ले में घुसते ही तिलक मिटा देता है, और कमलनाथ विशेष समुदाय के बीच जाकर खुलेआम ये कह रहे थे कि विशेष समुदाय हमको वोट दे तो हम इन हिंदुओं से चुनाव के बाद निपट लेंगे। अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस, हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ देना पड़ेगा। जिस सनातन को न मुगल समाप्त कर पाए न ही अंग्रेज बाल बांका कर पाए, आज उस सनातन को कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि जिसने भी सनातन को मिटाने की कोशिश की है वो मिट्टी में मिल गए हैं, और अब अगला नंबर कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन का है।